जय हरी माउली। जब पालखी पुणे से सासवड़ की ओर जाती है तो दिवे घाट से गुजरती है और यहाँ का दृश्य बहुत अद्भुत होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और आज हम इस वीडियो में वही आगे कंटिन्यू करते हैं। दिवे घाट में भगवान विट्ठल की बहुत खूबसूरत और लंबी मूर्ति बनाई गई है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और इसकी लंबाई है 60 फीट। ये बहुत ऊंचा है और आसमान में पीछे दौड़ते बादल इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं। हर साल जब पालखी दिवे घाट से गुजर के सासवड की ओर जाती है, उस दिन एकादशी होती है, तो हर वारकरियों का फास्ट होता है। आज का तो एटमॉस्फेयर भी बहुत प्लीजिंग है। ऐसा कहते हैं कि भगवान खुद इस वारी का बारिश करके हर साल स्वागत करते हैं। इसका मतलब जब भी पालखी दिवे घाट में आती है, उस दिन बारिश होती ही है।
आज हम भी वारी में शामिल हुए और ये एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल था। मुझे लगता है हर किसी को ये एक्सपीरियंस अपने जीवन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इतनी खुशी से इसमें शामिल हो रहा है। कहाँ से आती है इनमें इतनी एनर्जी, जब पूरे 3 हफ्ते ये पैदल चलकर अपने भगवान का दर्शन लेने जाते हैं। धूप हो, बारिश हो या कोई भी सिचुएशन हो, कोई उन्हें रोक नहीं पाता। तो महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े उत्सव में शामिल होके हमें तो बहुत खुशी मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत कष्ट लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जय हरी माउली।